हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? देख सकते हैं आप, शिवजी का तीसरा दिन है और देख सकते हैं काफी भीड़ है। काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, काली कमल बाबा की, काली कमल बाबा की, सच्चे दरबार की, हरिदास महाराज की, हरिदास महाराज की, वृंदावन की, वृंदावन की, हरिदास महाराज की, हरिदास महाराज की, हरिदास महाराज की, काली कमल बाबा की, काली कमल बाबा की, काली मैया की, काली मैया की, प्रेम सूर्य सच्चे दरबार की, बम बम भोले। और यहाँ से हमारे कार्यकर्ता सर्वे थे, सभी लोग खाली कीजिए, मंच खाली कीजिए, मंच खाली कीजिए, ये ग्राउंड खाली कीजिए, सभी लोग कार्यकर्ता को चलने चाहिए। चार कार्यकर्ता, चार, मैं जिनका नाम बोलूंगा वही यहाँ रहेंगे। ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह यहाँ रहेंगे, बच्चे के परिजन ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेंगे। मैंने जो कहा वही होगा। बात्री वाले बाबा की, काली मैया की, काली मैया की, क्या बात है। इस तरह जयकारा लगाते रहिए, शांति से बैठिए, और इधर वाले लोग भी, और आप सब महान भाई से निवेदन है, आप लोग भी थोड़ा सा पीछे हट जाए। कृपया हवन स्टार्ट हुआ आजकल, अभी भी हवन स्टार्ट होने वाला है। अरे भैया, वो लोगों को खड़ा रहने दो भैया, ये लोग अपने को परेशान नहीं कर रहे हैं। अरे आप ये लोग जो खड़े हो अपने, सर ये लोग अपने को परेशान नहीं कर रहे हैं, वो लोग खड़े अपने को परेशान नहीं करते, खड़े परेशान, यहाँ जो बीच में आते हैं वही अपने को परेशान करते हैं, वो लोगों को रहने दो। ये आप लोग किसी को अंदर मत आने दो, वो जो खड़े हो अपने को परेशान नहीं करते, ये वो अपने को परेशान नहीं करते, अपने को परेशान करते जो यहाँ बीच में भूषण को देख करते ना, वो भूषण को परेशान करते, क्योंकि मेरे को भक्त माता जी का फोटो चाहिए, यहाँ से वहाँ ये लाइन के लिए चाहिए। सुनिए, जो भी सामान देने आ रहे हैं वॉलंटियर लोग वहां से ले लीजिए, दे दीजिए, आदमी को मत दीजिए। 62-17 बोलेरो अपने गाड़ी के पास जाए, 62-17 और माता के आशीर्वाद आपको फ्री मिलेगा, जब आप ईमानदारी पूर्वक आप लोग पंडाल लाखों का संख्या में भी रहे आज, और हम अपने विवेक से काम लेंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये बिहार की जो सेवा सिंह का तीसरा दिन है और काफी भीड़ है, नालंदा विश्वविद्यालय पंडाल में कहीं से भी जगह नहीं है, जो आदमी सब शिक्षा दिया है, सर्वप्रथम ज्ञान उस धरती पे आप लोग हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ से ज्ञान का उत्पत्ति हुआ उसी धरती पर आप लोग ज्ञान चलते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी।
इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी बंधु बांधवों से सकते आप लोग आज काफी भीड़ है, काफी भीड़ है, भीड़ और आउट ऑफ कंट्रोल है। कमल बढ़िया 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 कमल ठीक है, बढ़िया 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 अरे माइक कर दीजिए बढ़िया, अरे सरमाना नहीं है, सब अपना ही घर है, बैठिए बैठ जाएंगे तो छोटा नहीं हो जाएंगे, खड़ा रहेंगे तो बड़ा नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो भगवान का दरबार मुझ के नीचे बैठ जाए, एक आदमी भीतर नहीं खा रहा, बैठिए था अन पार है मेरे को अभी लंच के बाद वाला भैया खिलाड़ी पीछे चले लाखों से संख्या में रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जगह कम पड़ी आ रहे हैं बैठने की जगह नहीं, मैं एक साथ में सबको कंबल गिराता हूं, एक साथ में मैं सबको कमर फिराता हूँ। अपने जितने भी कार्यकर्ता हो यहाँ से वहां तक एक लाइन कर दो, मतलब यहाँ से वहां तक एक हाथा जोड़ी कर देना, मतलब जो आते हैं ना बीच में घुसते हैं ना, और ये रस्सी खोल के लंबे तक कर दो दोनों साइड से, समझ में भैया कार्यकर्ता समझ में, क्योंकि लोग ज्यादा है, मैं आप लोग धीरे धीरे आना, शांति से आना, गर्मी लगेगी मेरे को दिन भर गर्मी लग गई, आपको एक घंटे गर्मी लगेगी, पसीना छूट जाएगा आपका भी, यहाँ आने आने में थोड़ी शांति रखना, कोई जल्दबाजी मत करना। अभी एक भैया मेरे को पूछ रहा था, बाबा जी हम यंत्र लिया है वो खाने पीने अगर नहीं, आपको खाने पीने की छुट्टी रहती है, यंत्र से कोई लेना देना नहीं। उसको टेंशन हो गया। अभी एक भैया मेरे को कुछ नहीं आया नहीं दूसरा था, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। आप जो यंत्र लेके जाते हो ना, तुम्हारे घर में पैसा न रुकता हो, तुम्हारा कोई काम न होता हो, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तुम्हारा होते होते काम रुक जाता हो, आप यज्ञशाला नहीं जाइए यज्ञ, वहां से यंत्र ले लेना और घर के मंदिर में रख देना, तुम्हारे को यंत्र के खाने पीने की छुट्टी। मेरे को बाद में पूछने आए थे, व्यवस्थित लाइन करके बैठना, मैं एक साथ सबको कमर फिराता हूँ, क्योंकि रोग तुम्हारा मैं नहीं निकालता हूँ, माता जी रोग निकाल रही हैं। मैं जो गुजरात का हूँ, राजस्थान में मेरा कार्यक्रम चलता है, और ये हमारा महाराज जी, ये क्या नाम कमलेश जी, ये कार्यक्रम रखने वाला आदमी एक सामान्य आदमी है, कहाँ है कमलेश, कहाँ है, कहाँ है कमलेश, कहाँ, वो भी काम में लगा होगा, एक सामान्य आदमी मेरे को राजस्थान से यहाँ तक लेके आ गया एक आदमी, और बाद में हमारे क्या नाम था भैया, सुबोध जी, हमारे मुखिया जी, ये सब कम से कम 500 आदमी की टीम तैयार हो गई आपकी सेवा करने के लिए। मेरे को एक आदमी खत्ता लेने आया था, लेकिन उसका भाव था कि बाबा जी आप बिहार में आओ मेरे गाँव में, मैंने तो देखा ही नहीं था, मेरा पहली बार बिहार है, लेकिन तुम्हारे बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी ज्यादा करते हैं, फटाफट मेरा नंबर आ जाना चाहिए, इंतजाम नहीं करते, अब थोड़ा धीरे धीरे आना, शांति से आना, छोटे बच्चे भी होंगे, धक्का मुक्के मत करना, लाइन से आना, मेरा हाथ रखना चाहिए तुम्हारे सिर पे, अब मैं बोलता हूँ लेकिन सुने के कोई नहीं, बात में तुरंत यहाँ तो भीड़ हो ही जाएगी, आप सबको, आप सब उसको आशीर्वाद देना है, ये आदमी ने, ये आदमी मुझे लेके आया था ताले ताले ताले, और ये है कमलेश, ये सब खुद का खर्चा किया है, ये जितना है ना, अब तो गांव वाले ने सही सब ने दिया होगा, और यहाँ पे ये अपने आजू बाजू के गांव के कितने आदमी आए, जरा ये गांव के आए, मतलब ये मुजफ्फरपुर नगर का कौन सा है, मुजफ्फरपुर नगर है ना, मुजफ्फरपुर नहीं नहीं ये जिला मुजफ्फरपुर, आप जो दरोज आते हो जाते हो ना, यहाँ पे कम से कम 500 आदमी रुके हुए हैं, यहाँ 500 आदमी रुके हुए हैं, उसको खाने पीने की व्यवस्था करिए, अपने घर से कोई चावल, मतलब कोई चावल लेके आना, कोई दाल लेके आना, देखो ये कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम है, ये माता जी का कार्यक्रम है, मैं तो सबको निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे घर से तुम आओ, थोड़ा चावल दाल लेके आना, यहाँ जो कम से कम 500-1000 आदमी रुके हुए उसको खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, मैं तुम्हारा कुछ लेता नहीं हूँ,
मैं कोई व्यवस्था दे सकता नहीं। मैं तो जेब भी आए भाई बहन, मैं तो सबको बोलता हूँ तुम्हारे घर से थोड़ा चावल दाल लेके आना, यहाँ आके रख देना और वो शाम को उसका खाना बन जाएंगे, मतलब तुम्हारे को आशीर्वाद मिलेंगे। जो यहाँ से 500 हजार 2000 किलोमीटर से लोग आए वो तुम्हारा चावल दाल खाएगा तो तुम्हारे को आशीर्वाद मिलेंगे। सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है अनुदान। एक बार भी सबको कमल गिराऊंगा, शांति से आना, कोई कमल को खींचा खींची करते खींचना नहीं, उसके अंदर रोग भरा हुआ है, 36 साल से उसके अंदर रोग ही भरा हुआ है, अब कोई खींचना मत, शांति से आना, धीरे धीरे आना। मैं सबको हाथ लगाऊंगा, मैं एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा, लेना है वहां से ले लेना, यंत्र माता जी के मंदिर में रखना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे घर में कभी पैसे की जिंदगी में कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी हर काम, कोई भी तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, तुम्हारा हर काम हो जाएगा। कुछ ना कुछ रोग हो, नहीं कुछ हो तो कैसे है, जगह दीजिए जगह। जाने के लिए जगह दीजिए, रोग निवारण कंबल आपके सर से फिर रहा है, इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है आपको ये कंबल आपके सर से फिर रहा है, जगह दीजिए बाबा को निकलने का, जगह दीजिए, मौका है आप लोग पास, बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला आप लोगों को, बहुत बड़ा मौका मिला है, आप लोग जो है ना बहुत भाग्यशाली हुए, आप लोग जो है साइड दीजिए, जगह दीजिए बाबा को निकलने के लिए, जगह दीजिए दोनों वाली को निकलने का, जगह दीजिए, सभी लोग बैठ जाइए, जहाँ वही बैठ जाइए, बैठिए सभी लोग, अरे कंबल फिरवा लीजिए भाई, बैठ जाइए, मौका है, मौका मिले आपको, बहुत सौभाग्य की बात है, बैठ जाइए, इधर से सब लोग इनको दीजिए मौका, प्रणाम करते हुए निकलेंगे, इधर से लोग इधर जगह दीजिए, इधर से माता रानी का दर्शन करते हुए निकलते चलिए, हाँ सब लोग नहीं जाइए, एकाएकी अभी नहीं, हाँ रुकिए।